बीच अल्पेश ठाकुर का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो बाहरी लोगों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। भाषण में अल्पेश ने गुजरात से बाहर लोगों को अपराध बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। બહારના જે બધા આવે છે અહીંયા ક્રાઇમ કરે છે સાહેબ, ગુનાખોરી વધી છે, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે, તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે। આ કંપનીઓની ટ્રકો પણ રોકાશે અને એના દરવાજા પણ તૂટશે। કેટલા લડી લેવાના મૂડમાં છે, પછી એવું ના થાય કે ધાડે ધાડા ઉતારે એટલે પાછા પડીએ। કન્ટેનર રોકવામાં આવશે, ટ્રકો રોકવામાં આવશે અને જરૂર પડે ટ્રકોના ટાયર પણ કાપવામાં આવશે સાહેબ। એ બાવળ રોકવા, બાવળ કાપતા કોઈ નહીં રોકી શકે, પછી કાપીશું ને બાવળે ઉકાળા પછી ઘરમાં ફરગાવા લઈ જઈશું। બાવળ કાપવામાં તો સરકારનો કોઈ પ્રતિબંધ નથી। આ રાજેશભાઈ યાદવ મારા બેટા ત્યાંથી લઈ લેવાયા છે। दिल्ली के रोहिणी में एक मोड़ पर स्कूटी पर सवार दो बदमाश वहां से गुजर रहे एक महिला की चेन खींचकर भागने लगे। इन बदमाशों में एक को कुत्तों की मदद से पकड़ लिया गया जबकि एक वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के वीडियो में साफ दिखा कि दोनों बदमाश महिला के गले से चेन खींचकर भागने की कोशिश में थे, लेकिन स्नैचिंग की इस घटना के समय महिला सड़क पर गिर गई, जिसकी वजह से स्कूटी पर बैठे दोनों बदमाशों का भी बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटी गिर गई। जिसके बाद दोनों में एक बदमाश ने स्कूटी को उठाकर वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पीछे से उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे एक लड़के को देखकर दोनों बदमाश स्कूटी को छोड़कर वहां से दौड़ने लगे। इस बीच एक मकान के बाहर खड़े दो कुत्तों ने उन पर भौंकना शुरू कर दिया और उन दोनों के पीछे दौड़ गए। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर वहाँ भीड़ जुट गई और बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो आगे दबोच लिए गए थे, एक उनमें से भागने में सक्सेसफुल रहा और एक पकड़ लिया गया था। चेन स्नैचिंग की घटना का ये वीडियो 3 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस केस में कार्रवाई करने में। तनुश्री दत्ता के लगाए आरोपों के बाद नाना पाटेकर मीडिया से बात करने में सतर्क दिखे। हालांकि मुंबई में नाना पाटेकर जाने माने वकील उज्जवल निकम से मिले, लेकिन इस बीच भी उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। खबर के मुताबिक नाना पाटेकर एक होटल में जाने माने वकील उज्जवल निकम से मिले। इस मुलाकात के बाद भी उन्होंने तनुश्री दत्ता के लगाए आरोप पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मैं कुछ बोल नहीं सकता। नाना पाटेकर इस सवाल के जवाब में भी चुप रहे कि फिल्म इंडस्ट्री की ओर से उन्हें समर्थन क्यों नहीं मिल रहा। उज्जवल निकम से मुलाकात की भी एक दूसरी वजह बताई गई। नाम फाउंडेशन मैटर। छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को कानूनी नोटिस दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर वो मीडिया के सामने बात करने से बचते दिखे। उधर तनुश्री दत्ता ने पुलिस के बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के पास भी शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें 2008 में हुई पूरी घटना का जिक्र किया गया। राज्य महिला आयोग से की गई शिकायत में तनुश्री दत्ता ने दावा किया कि 10 साल पहले पुलिस ने उनकी शिकायत को ठीक से दर्ज नहीं किया और उनकी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के अलावा फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई। महिला आयोग ने आज हमको आश्वासन दिया कि मामले पूरी वो पकड़ी नजर रखेंगे और उन्होंने कहा कि उसको न्याय मिलेगा। तनुश्री दत्ता के वकील ने इस मामले में सिन्टा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से जांच नहीं किए जाने के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाने का दावा किया।